ये आशंका है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ववर्ती राज्य की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहा है। यही एक कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। कश्मीर घाटी के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने संकेत दिया, हाली हत्याओं की जांच से संकेत मिलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में आशंकाएं हैं कि 2019 के बाद केंद्र डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहा है और आतंकवादी संगठन इस डर को हवा दे रहे हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में आतंकवादी संबंधी घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 34 लोगों की जान चली गई। पिछले साल अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, इसमें 9 हिंदू थे। उनके मुताबिक मारे गए 9 में से 5 को श्रीनगर शहर के केंद्र में निशाना बनाया गया, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेज में हड़कंप मच गया। दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को राज्यसभा में पेश किए गए MHA के आंकड़ों ने हिंदुओं को 2 कैटेगरीज में विभाजित किया, कश्मीरी पंडित और अन्य हिंदू। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों के मुताबिक अनंतनाग, श्रीनगर, कुलगाम और पुलवामा में 14 हिंदू मारे गए, उनमें से 4 कश्मीरी पंडित थे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि सरकार ने घाटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें मजबूत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ग्रिड, ग्रुप सिक्योरिटी, 2400 घंटे नाकों की जांच और उन क्षेत्रों में गश्त करना शामिल है जहां अल्पसंख्यक रहते हैं। इसके अलावा आतंकवादियों के खिलाफ एक्टिव ऑपरेशंस भी शामिल है। वास्तव में मंत्री ने यह भी कहा कि 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद प्रवासी वापस कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत नौकरी करने के लिए लौट आए हैं। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि घाटी में स्थिति में काफी सुधार हुआ है, MHA के आंकड़ों में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में हिंसा में उल्लेखनीय गिरावट आई है। राय ने कहा कि केंद्र सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है। इसमें IB, LOC पर मल्टीलेवल तैनाती, सीमा पर बाड़ लगाना और बेहतर खुफिया और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन शामिल है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।